रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि अभी तक के वीडियोस में हम कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन तक पहुँचे थे और रेस्पिरेटरी जोन अंतर्गत भी हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोली, इसके बाद में एल्वियोलर डक्ट आता है और फाइनली एल्वियोलाई नामक जो एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम उसी एल्वियोलाई को अभी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर मैंने जो है एल्वियोलाई और एल्वियोलाई को एक्सटर्नली लाइन करने वाला जो कैपिलरी होता है, जो आर्टेरियल कैपिलरी होता है, उसको दिखा रखा है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स है टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स, जो कि शेप में किस तरह का है, क्यूब शेप का है, शेप में क्यूब जैसा होता है ये सेल्स, यानी कि 3D में अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरह से ये आपको नज़र आएगा और यहाँ पर कुछ इस पोजीशन पर मौजूद होता है। तो ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स होते हैं क्यूब शेप के, ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये लेसी थिन रिलीज़ करते हैं। ये क्या रिलीज़ करते हैं, लेसी थिन रिलीज़ करते हैं। तो लेसीथिन केमिकली एक फॉस्फोलिपिड होता है, यानी कि आपको ज़रूर मालूम ही होगा, बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोरस और लिपिड से बना हुआ एक लिपिड होता है, लिपिड का प्रकार होता है। तो केमिकली जो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स द्वारा रिलीज़ किया गया लेसीथिन है, ये एक फॉस्फोलिपिड होता है और ये एक सर्फेक्टेंट के तौर पर काम करता है। अभी सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट दरअसल वो फ्लूड होता है जो कि क्या करता है, सरफेस टेंशन को घटाता है और एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन को घटाकर जो है ब्रीथिंग को आसान बनाता है। दरअसल एक्चुअली होता ये है कि जो ये एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई के सरफेस पर इंटरनली जो है एक फ्लूइड पाया जाता है, कुछ इस तरह से आप इमेजिन करिए। ये अगर मानो एल्वियोलाई है तो इसके सरफेस पर जो है एक फ्लूइड पाया जाता है और जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ा है और जाना है कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी जो है अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करते हैं और जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये एक दूसरे से बहुत चिपका अटैच्ड सा या फिर सिकुड़ा सा रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जब कभी भी एयर इसके अंदर आएगा, एल्वियोलाई के अंदर, तो इसे फूलना होता है और जब कभी ये फर्दर सिकुड़ेगा तो इसे और भी ज़्यादा सिकुड़ना होता है और भी ज़्यादा इसे अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस होना होता है। लेकिन जो ये लिक्विड, जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड इसे जो है मूव नहीं करने देता, एक फिक्स टाइप का, इसे एक्सटेंड नहीं करने देता, एक फिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाकर रखता है, एक टेंशन क्रिएट कर रखता है, प्रेशर क्रिएट कर रखता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो एल्वियोलाई है वो डैमेज हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं और उस कंडीशन को ही एटेलेक्टेसिस कहा जाता है, एटेलेक्टेसिस कहा जाता है। तो एटेलेक्टेसिस ना होने देने के लिए क्या होना पड़ा, सरफेस टेंशन को उस फ्लूइड के रिड्यूस करना पड़ा। तो ये जो सर्फेक्टेंट होता है, ये सर्फेक्टेंट दरअसल उस फ्लूइड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और जो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर जो एल्वियोलाई है उसे एक्सटेंड करने में और जो है फिर से अपने पोजीशन पे आने में मदद करता है, यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग को कराने में मददगार साबित होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सर्फेक्टेंट होता है ये एल्वियोलाई के अंदर सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और एल्वियोलाई को डैमेज होने से बचाता है ब्रीथिंग के दौरान। तो एक इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ है सर्फेक्टेंट। अब इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ दूसरे टाइप के सेल्स मौजूद हैं। ये दरअसल
सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम होते हैं, जैसा कि आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम नाम का एक जो टिश्यू होता है, तो ये वही टिश्यू होते हैं सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। और ये सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम एल्वियोलाई के इन सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम को ही टाइप वन न्यूमोसाइट्स भी कहा जाता है, टाइप वन न्यूमोसाइट्स कहा जाता है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, टाइप वन न्यूमोसाइट्स कहा जाता है। इन सेल्स को क्यूब शेप के को टाइप टू न्यूमोसाइट्स कहा जाता है। और ये जो नीचे के सेल्स हैं जो कि कैपिलरी के पास पास होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टाइप वन न्यूमोसाइट सेल्स कहा जाता है। ये सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम होते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो तीसरा किस्म का जो सेल है उसे एल्वियोलर मैक्रोफेज या फिर डस्ट सेल्स कहा गया। तो ये तीसरे किस्म का सेल्स जो कि इसके एल्वियोलाई के अंदर पाया जाता है वो एल्वियोलर मैक्रोफेज होता है या फिर डस्ट सेल्स होते हैं। अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी यही चीज़ें हैं, यही सेल्स हैं जो कि एल्वियोलाई के अंदर पाए जाते हैं। एल्वियोलाई जैसा कि हम जानते हैं कि जो लंग्स होता है, लंग्स के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो लंग्स होता है इन्हीं छोटे 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 एल्वियोलाई को मिलाकर बनता है। और कहा जाता है 300 मिलियंस जो एल्वियोलाई हैं उनके कंपोजिशन से लंग्स बनता है। तो ये हुआ। इसके बाद में अगर देखा जाए डिफ्यूज़न के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये कैपिलरी होता है, कैपिलरी का नेटवर्क होता है, आर्टेरियल कैपिलरी होता है, ये एल्वियोलाई को कुछ इस तरह से लाइन किए हुए होता है। और इस कैपिलरी में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऐसा ब्लड जो है ये आर्टेरियल जो है कैपिलरी लेकर आता है। और इसके बाद में आप पाएंगे कि इसमें तीन लेयर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ नंबर ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन्स, इन्हीं तीन मेम्ब्रेन्स के एक्रॉस में क्या होता है, गैसेज का डिफ्यूज़न होता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो कि एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है वो कैपिलरी में आ जाता है, जो कि कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा था वो डिफ्यूज़ होकर कहाँ चला जाता है, एल्वियोलाई में चला जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से इन गैसेज का डिफ्यूज़न हाइयर से लावर कंसंट्रेशन, हाइयर से लावर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा होता है। तो वो तीन मेम्ब्रेन्स होते कौन कौन से हैं, तो नंबर ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन्स की जब बात की जाएगी तो जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टाइप वन न्यूमोसाइट सेल्स हैं जो कि इंटरनली इस एल्वियोलाई को लाइन किए हुए हैं। इसके बाद में इन दोनों के बीच में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन दरअसल जो ये स्क्वेमस इपिथेलियम होता है इसी का एक पार्ट होता है। तो इन स्क्वेमस इपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो इंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरी, आप इस सेल को देख रहे होंगे, इन सेल्स को, तो ये जो इंटरनली लाइन कर रहे हैं जो इस ब्लड कैपिलरी को, ये स्क्वेमस इपिथेलियम को इंडोथेलियम कहा जाता है। तो यानी कि जो एल्वियोलाई में स्क्वेमस इपिथेलियम है उसे टाइप वन न्यूमोसाइट्स कहा गया, टाइप वन न्यूमोसाइट्स कहा गया, फिर से एक बार टाइप वन न्यूमोसाइट्स कहा गया। और जो ये कैपिलरी में, आर्टेरियल कैपिलरी में जो ये स्क्वेमस इपिथेलियम है इन्हें इंडोथेलियम कहा गया, इन्हें इंडोथेलियम कहा गया। यानी कि ये भी स्क्वेमस इपिथेलियम होता है और ये भी इंडोथेलियम भी स्क्वेमस इपिथेलियम ही होता है। तो दोनों के पास क्या होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होंगे। तो वही जो बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके दरमियान मौजूद होता है इन दोनों के पार्ट्स का, उसी से समझ लीजिए एक तीसरा मेम्ब्रेन इनके बीच में बन गया। तो यही मिला जुलाकर टाइप वन न्यूमोसाइट्स, बीच में इन दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन और नीचे जो है इंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी का स्क्वेमस इपिथेलियम इंडोथेलियम कर तीन जो मेम्ब्रेन्स हैं ये मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं एल्वियोलाई और आर्टेरियल कैपिलरी के बीच में। यही वो मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनके एक्रॉस गैसेज का डिफ्यूज़न होता है, गैसेज का। इनके थिकनेस की अगर बात की जाए तो 1 mm से भी ये कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो बताई गई है बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कोई राय है, सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी तरह रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।